अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ठीक रखा होगा। आज ये अचानक प्रोग्राम बन गया केडी बंदर का, ठीक है। यहाँ बहुत सारी जगह हैं, यहाँ पर शिकार होता है। तो मैं वर्ल्ड फिशिंग ग्रुप है, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, तो मैं वहाँ आपको ऐड भी करूँगा। वहाँ लोग वीडियो देते हैं, रिपोर्टें देते हैं, और मेरा जो ग्रुप अपना यूट्यूब पे है हमीद शिकारी, ठीक है। आज 16 तारीख है जनवरी की, 12 तारीख है जनवरी, जी जी 12 तारीख पहला महीना, हाँ पहला महीना 2023 की, ठीक है ना। और रात के 11:30 बज रहे, बहुत सख्त सर्दी है, ठीक है ना। देखें हमारे हाल, तो इंशाल्लाह और हम लोग 1.5-2 घंटे बाद पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे। ये हमारे रजा भाई हैं, बहुत सारे हमारी पूरी टीम आई हुई है आज यहाँ पर। वो प्रोग्राम बनाया है इन्होंने, बड़ी मेहरबानी। ये प्रोग्राम अचानक बन गया, ठीक है ना, कोई प्रोग्राम नहीं था, डिसाइड नहीं था, ये अचानक प्रोग्राम बनाया। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, अभी यहाँ अपनी टीम से मिलवाऊँगा, आपको बताएँगे सब जो जो इनके दिल की वो तमन्ना है कि क्या मारा मारते हैं यहाँ पर जाके किसी जगह पर, ठीक है ना। तो ये आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि गाइस आप वीडियो को लाइक किया करें, आगे इसको शेयर किया करें, बेल को दबाएं ताकि जो भी वीडियो आएगी आपको मिलती रहे। मैं हमीद, ठीक है ना, हमीद शिकारी के नाम से चैनल है और वर्ल्ड फिशिंग मेरा ग्रुप है। रजा भाई हैं एडमिन, मैं एडमिन हूँ, बाकी भी बहुत सारे एडमिन अच्छे आदमी हैं, बहुत सारे बंदे उसमें ऐड हैं, बहुत अच्छी अच्छी मालूम मिलेगी आपको उसमें। तो आइए मैं फिर इरफान साहब से मिलवाता हूँ। इरफान भाई, अस्सलामुअलैकुम, गाइस कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज जा रहे हैं केडी बंदर, इंशाल्लाह ताला देखें। वेदर तो ख़राब हो गया है रास्ते में हमारे, और शिकार की पोजीशन यही है कि आप लोगों की दुआओं का साथ चाहिए कि बस दुआएं आप लोगों की होंगी तो इंशाल्लाह ताला मछली भी हम लोग मारेंगे। और बहुत अच्छी अच्छी जागीरें हैं वहाँ पर, उन जागीरों पर खेलेंगे, जैसा होता है फिर इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट देंगे वक्फे से वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ वर्ल्ड फिशिंग ग्रुप से फरहान, मेरा ताल्लुक है वर्ल्ड फिशिंग ग्रुप, हमारा चैनल है हमीद शिकारी, और हम लोग जा रहे हैं अभी केटी बंदर रजा भाई की क्यादत में माशाल्लाह। और अचानक इमरजेंसी प्रोग्राम बन गया हमारा, कोई हमें शाम तक कोई पता नहीं था, हम लोग इमरजेंसी में निकले हैं। ये माशाल्लाह हमारे रजा भाई हैं, और हम लोग शेजोर में आए और गाड़ियाँ हम लोग शेजोर के अंदर चढ़ा के लाए बाइक, तो ये रजा भाई चला कर लाए शाहजोर। तो मैं आपको रजा भाई को भी दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो इंशाल्लाह आज मेरी पूरी टीम, वर्ल्ड फिशिंग की पूरी टीम, तो आज हम लोग केडी बंदर जा रहे हैं। तो बस आज मेरी छुट्टी भी थी, तो ऐसी बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया हमारा, उनमें का चले हवाएँ भी हैं, तो आज वैसे भी मजीद इतनी सर्दी की जिसमें से मैंने कैप ऊपर से मेरे दस्ताने, फिर भी इतनी हमें सर्दी लग रही है। तो बस हमारे लिए दुआ कीजिएगा ताकि हम कोई अच्छी फिशिंग करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा, हम लोग अभी केटी बंदर आ गए हैं और हवा बहुत ज्यादा तेज है, तो इरफान भाई की बड़ी मेहरबानी है, इनकी बड़ी जान पहचान है यहाँ पर, ये खड़े हुए हैं, समझ आई ना। ये देखें कितना जबरदस्त, ये पुराना विलेज और झोपड़ा, रजा भाई इनको दिखाएं अपने गाइस को, झोपड़ा हमने दिखा दिया है, कितनी जबरदस्त है ये, जबरदस्त भाई, देखें ये हमारे बिस्तरे लगे हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पर, सुबह नाश्ता करेंगे, फिर इंशाल्लाह शिकार पे जाएंगे। ये रजा भाई वीडियो बना रहे हैं, तो ये फरहान भाई जो है ना, ये रजा भाई हैं, ये सही है ना रजा भाई, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा जी, हमीद भाई तो बस अपनी लोकेशन पे आ गए हैं, बस यहाँ थोड़ा आराम करेंगे, बाहर बहुत हवा है, उसकी आपको वॉइस भी आ रही होगी हवा की। ये तकरीबन 100 पुराना गोली मार से 170-180 किलोमीटर है, कायदाबाद से 140 किलोमीटर, कायदाबाद से हम लोग 140 किलोमीटर है। ये फरहान भाई हमारे तैयारी कर रहे हैं लेटने की, और ये सामान है हमारा पड़ा हुआ सारा। ये लोग देखें मच्छी का जो है ना करते हैं कारोबार, झींगे का मच्छी का। तो इंशाल्लाह गाइस आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है ना, बहुत अच्छा हो गया।
हमारे हमीद भाई क्या है, अल्लाह की पनाह भाई देख रहे हैं कंबल नहीं छोड़ रही है, तो हमारी हिम्मत है, हमने जो है ना कंबल भी छोड़ दिया आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है ना मेरी अपनी जो है ना बस हो गई है भाई के वीडियो नहीं बनाई, वीडियो नहीं बनाई तो देख सकते हैं भाई आप जो है ना। हवा निकल गई है इतनी ठंड है और हवा की पोजीशन बहुत ज़्यादा तेज़ है और देखिए अभी क्या प्लान बनता है हमारा, हवा तो हमें रुकी भी नज़र नहीं आ रही है, यही कहूँ कि बस दुआ करें कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छी शिकायत। तो इंशाल्लाह कोई टेंशन की बात नहीं है इरफान भाई, जिसमें से मैं भी आ गया हूँ ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कितनी हवा चल रही है कि आपने दस्ताने, मैंने अभी तो मोबाइल के लिए एक दस्ताना अपना उतार दिया है, इतनी हवा है, मैंने दो दो कैप अलहदा सर के ऊपर, हमें हालांकि मालूम होने के बावजूद भी जो है ना हमने कहा चले फिर भी अल्लाह मालिक है चल के देखते हैं, तो इंशाल्लाह फिशिंग फिर भी कोशिश करते हैं, अगर नहीं हुई तो भाई तो समझ ले हमारी पिकनिक ही हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ नाश्ते के साथ। अच्छा तो दोस्तों ये अभी हमारा नाश्ता हो रहा है ठीक है, जिसमें से ये थर्मोस में से चाय फरहान भाई निकालें, चाय ये फरहान भाई हमारे चाय निकाल रहे हैं ठीक है, ये हमारे जो है गुल्लू भाई, गुल्लू भाई जी हाँ कैसा लग रहा है भाई? बहुत खूब लग रहा है। ये हमारे इरफान भाई आ गए जिसमें से ठीक है, इरफान भाई वाकई सर्दी बहुत है तो फिर भी इंशाल्लाह हम फिर भी फिशिंग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम फिर भी फिशिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम जो है नाश्ते के बाद अपनी बोट निकालते हैं ठीक है, फिर आपको जो भी वीडियो है तो फिर अपनी बोट की भी वीडियो दिखाते हैं। तो पहुंच चुका हूं, दिखाएं दाना जी, ये है जी माशाल्लाह भी डाटी का पट्टे लगना शुरू हो गए यहाँ पे, पहली स्ट्राइक हुई है हमारी जी इरफान भाई, जबरदस्त भाई इस साइज के जो है ना डाटी के पट्टे लग रहे हैं, देखें आप जबरदस्त भाई इमरान। हर फरहान भाई क्या लगा? कुकड़ी भाई मार कर रहा भाई, बैक टू बैक कुकड़ी लग रही है, उड़ा ऊपर वो अंदर मछली भी तो दिखाएं, गेरे को लाठियां मारी हुई है कितनी, हाथ से पकड़े थोड़ा नीचे करें गेरे को, जबरदस्त भाई